हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो अपने आईफोन है उससे मतलब फोटोज़ वगैरह अपने लैपटॉप में किस प्रकार से ले सकते हो और लैपटॉप वाली फ़ोटो आईफोन में किस प्रकार से डाल सकते हो। तो ये मेरे पास है आईफोन 15 प्लस, और इस पर इसमें सी टाइप चार्जिंग केबल लगती है। तो अपन इस पर केबल लगाते हैं, और केबल लगाते हैं तो सबसे पहले मैं इसका लॉक अनलॉक कर लेता हूँ। तो अनलॉक करने के बाद यहाँ पर आपको केबल इंसर्ट करनी है। केबल इंसर्ट करोगे तो कुछ मैं आपको केबल इंसर्ट करके दिखाता हूँ और क्या ऑप्शन आते हैं। मेरे पास इसको और कोई पकड़ने के लिए साधन नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसको केबल इंसर्ट कर लेता हूँ। केबल इंसर्ट कर दिए, और इंसर्ट करने के बाद कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। आपको केबल कनेक्ट रखनी है पीसी से या लैपटॉप से, तो यहाँ पर आपको फिर अलाउ पर क्लिक कर देना है, और अब आपको दिस पीसी ओपन कर लेना है। दिस पीसी ओपन करोगे, इसमें इसको फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो अपना एप्पल एंड्रॉयड एप्पल डिवाइस दिख जाएगा, एप्पल। तो इस पर डबल क्लिक करना है, फिर यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज दिख जाएगा। ये ट्रिक बहुत जो पुराने वाला आईफोन है उन पर शायद वर्क नहीं करेगी, तो ये जो आईफोन 15 है उस पर वर्क कर सकती है। इसमें डायरेक्ट आपको ये जो फोटोज़ है वो देखने के लिए मिल जाएगी। आपको इनको सेलेक्ट करके कॉपी वगैरह कर सकते हो। अगर आप कुछ भेजना भी चाहते हो तो हो जाएगी कुछ ही टाइम में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।